हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक वॉरियर। और आज हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। तो जैसे कि हर वीक हम आपको बताते आ रहे हैं कि निफ्टी का नेक्स्ट वीक का टारगेट कैसा रहता है डेली, वीकली और मंथली चार्ट में, तो वही चीज़ हम आपको आज भी बताएंगे कि नेक्स्ट वीक में आपका टारगेट क्या रहेगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉल पुट और निफ्टी के फ्यूचर में प्रॉफिट हो। और निफ्टी के स्टॉक्स में भी आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको निफ्टी का लेवल ब्रेकआउट का और ब्रेकडाउन का पता रहेगा, तो आप उस तरीके से अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं निफ्टी के डेली चार्ट से। तो हमने प्रीवियस वीक आपको बताया था कि निफ्टी में है जो एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा था कंटिन्यूअसली, तो वो कंसोलिडेशन फेज आप देख पा रहे थे। हमने बताया था कि अप साइड में 17,800 और डाउन साइड में था वो 17,450 475 का जो लेवल निकल के आ रहा था। तो इसी रेंज में पूरा घूमता रहा था निफ्टी। पिछले आप देख पा रहे हो कि 10-12 दिन से जो डे कैंडल है वो कंसोलिडेशन, एक आध कैंडल को नीचे ये छोड़ देते हैं, तो ये कंसोलिडेशन फेज चल रहा था 17,450-75 से लेके 17,800 तक का। तो इस रेंज का ब्रेकआउट हमें कल आता हुआ दिखाई दिया था निफ्टी में, तो आप देख पा रहे हो कि उसके ऊपर कैंडल भी क्लोज हो चुकी थी। तो हम आज का हमारा क्लाइंट को हमने सजेस्ट भी किया था कि आप बाय करके भी चल सकते हो निफ्टी में, तो गैप अप ओपन हो सकता है और ऊपर ही जा सकता है। तो वही चीज़ हुई आज के निफ्टी में, गैप अप ओपन हमें देखने को मिला। और हमने बताया था दिन के दौरान भी हमारे क्लाइंट को कि ये गैप अप ओपन के वजह से नीचे आ सकता है, और यहाँ पे आपको जो कल की जो गैप है वो फिल करने के बाद क्लोजिंग तो ऊपर ही मिलेगी। तो हम बुलिश थे फिर से, क्योंकि हमने प्रीवियस वीक में आपको बताया था कि ऊपर में जब रेंज में लास्ट वीक में जो क्लोजिंग हुई थी, तब हमें क्लोजिंग टाइम पे हमें जो मिला था वो 17,530 था। हमने बताया था कि जब तक 17,750-800 के नज़दीक नहीं आता तब तक सेल नहीं करना था। इस वीक में आप देख पा रहे हो कि आपको एक मौका भी मिला था कि 17,775 तक निफ्टी आपको दिखाई दी थी, तो वहां आपने हमने आपको बोला था कि 17,850 का एक स्टॉप लॉस रख के आप बेच सकते हो, 50 पॉइंट या 75 पॉइंट का रिस्क रहेगा। सामने हमने आपको बताया था कि पहला टारगेट रहेगा वो 17,400-450 का रहेगा। तो आप देख पा रहे हो कि फिर से एक ही दिन में, दूसरे ही दिन आपको टारगेट अचीव होता दिखाई दिया था। और हमने बताया था कि उसके नीचे जब ब्रेकआउट दे दे, सॉरी ब्रेकडाउन दे दे, उसके नीचे 17,450 के नीचे ब्रेकडाउन दे दे, तब जाके हमें आगे का जो फर्दर लेवल था वो 17,150 से 250 तक का दिखाई देगा। मगर दोस्तों, यहाँ से ही फिर से बाजी पलट गई कि गैप डाउन ओपन हुआ, मगर एक ही दिन में हमारा टारगेट अचीव हो गया और फिर से निफ्टी अपसाइड में चलना शुरू कर दिया। और मैंने बताया था कि जब वीक क्लोज हो और डे क्लोज में आपको 17,800 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, तो फिर आपको बेरिश मूड में नहीं रहना है। तो फिर से हमें ये क्लोजिंग मिल चुका है 17,800 के ऊपर। ये कैंडल रेड भले ही है मगर क्लोजिंग हमें अच्छी खासी ऊपर साइड मिल चुकी है। अब हमारा एक पहला रेजिस्टेंस लेवल है नेक्स्ट वीक के लिए, वो रेजिस्टेंस लेवल है 18,100 का। तो 18,100 से 18,100 का। उसका रीजन एक ही है कि हमने जो 2-3 वीक पहले 18,000 का एक लेवल क्रॉस करने में हर्डल हमें मिला था, वहां से हम डाउन साइड आ चुके थे। तो वही सिंपल चीज है कि जैसे ही 18,000 पार हो जाएगा लेवल, तो हमें हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो अपसाइड में 18,100 का है।18,100 का वही है टारगेट की हमको, ये जो फिर से एक रेजिस्टेंस मिल रहा है अपसाइड में, वो रेजिस्टेंस हो, दो रेजिस्टेंस हमें ये मिल रहा है, वही रेजिस्टेंस को आपको मद्देनजर रखना है नेक्स्ट वीक के लिए, मगर वो दोनों माइनर है। तो ये दो रेजिस्टेंस आपके जो क्लियर हो जाते हैं 18,000 और 18,100 के आसपास है, तो आप मान के चलिए कि नेक्स्ट वीक में हमारा जो पहला टारगेट है वो यहाँ से जो रहेगा वो 18,100 का रहेगा, और वो क्लोज हो जाते ही हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 18,350 का। और उसके बाद जो हमारा टारगेट रहेगा वो ऑल टाइम हाई जो हमने बनाया था वो है 18,600 के आसपास। तो दोस्तों, आप मान के चलिए कि
कि नेक्स्ट वीक में आपको कुछ हर्डल्स है, ओके, मगर हर्डल्स अपसाइड में ही है, आपको अपसाइड ही है। अब जैसे ही 17,800 के ऊपर क्लोज होते ही हमारा पहला टारगेट रहेगा 18,100 का। दूसरा टारगेट जो है हमारा वो है यहाँ से 18,350 का। और नेक्स्ट 1 या 1.5 वीक में, 2 वीक में मैक्सिमम 18,100 क्रॉस करते ही हम 18,600 की ही बात करेंगे। और जैसे ही इस वीक में हम देख पा रहे हो कि हमें जो कंसोलिडेशन का भी ब्रेकआउट मिला है डेली चार्ट में, तो नेक्स्ट वीक में हमारा जो टारगेट है वो हम मान के चलते हैं कि 18,100, 18,350 और 18,600 रह सकता है डेली चार्ट फ्रेम में। और एक चीज और दोस्तों मैं आपको डेली चार्ट फ्रेम में दिखाना चाहता हूँ, वो है टॉप एंड हैंडल। ओके, आपका जो ये पैटर्न बन रहा है वो ऑलमोस्ट कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न बन रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पैटर्न है मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा बहुत आपको निगलेक्ट ही करना पड़ेगा सिर्फ अमुक थोड़ा प्राइस एक्शन, तो आपको क्लियरली दिखाई दे जाएगा कि ये जो पैटर्न है, ओके, ये पूरा कप बना है। और दूसरा ये देख लीजिए कि ये हमारा हैंडल है, ओके, ये हमारा हैंडल मिल रहा है हमें कप का, ओके। तो ये बड़ी टाइम फ्रेम में, मिस डे टाइम फ्रेम में आप देख पा रहे हो कि ये जो ब्रेकआउट है आपको 18,100 के ऊपर मिल जाएगा, ओके, ये जो ट्रेंड लाइन है, ओके। अभी तो अभी ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद हमें एक कंफर्मेशन चाहिए कि ये जो कप एंड हैंडल है, ओके, तो ये ब्रेकआउट हमें 18,100 के ऊपर, ये जो हमारा कप का जो शुरुआत का सिरा है वो ब्रेक होते ही, ओके, ये चैनल तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा 18,000 से, मगर 18,100 का ये जो ब्रेक होते ही आप मान के चलिए कि हमारा जो अपसाइड टारगेट आएगा, तो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि ये जो बड़ी टाइम फ्रेम में कप एंड हैंडल, जो बड़ा लेवल में ये निगलेक्ट कर रहा हूँ, माइनर जो प्राइस एक्शन है वो हम निगलेक्ट कर दे, तो ये जो निगलेक्ट हम कर देंगे तो नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारा जो टारगेट है वो है 20,500 का, ओके, 20,500 आपको नेक्स्ट 8 से 12 महीने में 20,500 से 21,000 तक दिखाई दे सकता है निफ्टी, ये है लेवल, ओके। तो दोस्तों ये जो बड़ी टाइम मिस बड़ा आप देखोगे तो ये कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन है, ओके, क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है। तो ये कप एंड हैंडल का जो टारगेट बन निकल के आ रहा है और टाइम फ्रेम आप नेक्स्ट मान के चलिए 8 से 12 महीने में, वो आपका टारगेट रहेगा यहाँ से 18,000 से, मैं 17,800 चल रहा है अभी, 17,800 से 20,500 से 21,000 का टारगेट आपको एज पर कप एंड हैंडल पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों हम बुलिश है अभी, ओके, और जो बेरिश थे वो हम शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में थे, ओके, और शॉर्ट टर्म के लिए ही थे, और हमने बताया था कि जैसे जैसे ब्रेकडाउन मिले तभी हम आगे की पोजीशन कैरी करेंगे वरना नहीं करेंगे। पहला टारगेट अचीव होते ही पोजीशन हमें प्रॉफिट तो बुक करना ही था, और ब्रेकडाउन आने के बाद हमें नीचे में बेरिश पोजीशन क्रिएट करनी थी, और हमें अपसाइड ही ब्रेकआउट मिल चुका है। तो अपसाइड हमें ब्रेकआउट मिल चुका है, तो आपको अब एक ही चीज मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म नेक्स्ट वीक के लिए आपको यही मान के चलना है कि हमारा टारगेट 18,100, 18,350 और 18,600 है। ये जो मैंने बताया 20,000 से 20,500 से 21,000, वो कप एंड हैंडल के फॉर्मेशन के मुताबिक नेक्स्ट 8 से 12 महीने का है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि हम वीकली टाइम फ्रेम में, मैंने आपको बताया था कि डेली टाइम फ्रेम में हमें ब्रेकआउट मिल चुका था, ओके, और वीकली टाइम फ्रेम में हमें ब्रेकआउट नहीं मिला था, तो इस वीक में हमने वो भी क्लोजिंग हमें मिल चुकी है, ओके। और आप देख पा रहे हो कि वीकली टाइम फ्रेम में भी हमें 17,800 के ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी है चैनल को ब्रेक करके, जो प्रीवियस टाइम रेड कैंडल बनी थी, मगर इस टाइम ग्रीन कैंडल बनते ही हमें क्लोजिंग ब्रेकआउट का मिल चुका है। तो इसके मुताबिक भी दोस्तों हमें जो हमारा प्राइस एक्शन है उसके मुताबिक जो हमें लेटेस्ट हायर हाई मिला था, और जो हमारा हायर लो मिस लोअर लो था वो था 15,800, वो वीकली टाइम फ्रेम में भी चेंज होके हमें हमारा लेटेस्ट हायर लो मिल चुका है।
और लेटेस्ट हायर लो मिल चुका है, और वो है दोस्तों, आप देख पा रहे हो कि वो लेवल निकल के आ रहा है 17,150 का। ओके, 17,150 का लेवल निकल के आ रहा है। नेक्स्ट वीक में हमें जो है 18,000 लेवल के पार निकलती हुई बैंक निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम में भी दिखाई देगी, और उसका पहला टारगेट वीकली टाइम फ्रेम में जो हमारा प्रीवियस लोअर हाई था वो भी था 18,100 के आसपास। तो वो पहला टारगेट वीकली टाइम फ्रेम में भी 18,100 का निकल के आता है, और दूसरा जो टारगेट है वीकली टाइम फ्रेम में भी वो निकल के आता है 18,300 का। ओके, तो दोस्तों आप मान के चलिए कि यहाँ से आपको 18,100 और 18,300 तो वीकली टाइम फ्रेम में भी आपको इजीली दिखाई दे रहा है, और जो नेक्स्ट है वो वीकली टाइम फ्रेम में भी आपको ऑल टाइम हाई का जो है वो है 18,600 का टारगेट। तो वीकली टाइम फ्रेम में भी सेम टू सेम डिट्टो टारगेट निकल के आ रहा है, वो है 18,100, 350 और 18,600 का। ओके, और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, ओके, वो डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक आप स्टॉप लॉस मैनेज करके चल सकते हो, वो है 17,450 का। ओके, तो आपको सिर्फ 300 400 पॉइंट का रिस्क रहेगा, और 400 पॉइंट के सामने आप 800 पॉइंट 18,600 तक का टारगेट मान के चल सकते हो, यानी कि 1 जेम 2 हो जाएगा आपका। 400 पॉइंट के सामने आपको 800 पॉइंट वीकली में और डेली में भी मिल जाएंगे, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 17,450 का। ओके, और मंथली टाइम फ्रेम में, अभी तक मंथली में तो बहुत देर है कि ये जो चैनल का क्लोज हमें जो अपसाइड में चाहिए उसके लिए क्या है कि इस मंथ के एंड तक हमें वेट करना पड़ेगा, और ट्रेडिंग सेशन अभी बहुत 14-15 ट्रेडिंग सेशन बाकी है। तो मंथली टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन चेंज नहीं हुआ है, मगर क्लोजिंग के लिए चैनल ब्रेकआउट के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था हमारा निफ्टी का डेली वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे व्यू। तो हम बुलिश है और आप अपसाइड देख सकते हो नेक्स्ट वीक में बहुत ही अच्छा खासा। तो ऐसे ही सारे चार्ट्स और सब निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू हमें हमारे टेलीग्राम चैनल में भी देते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है। और ऐसे ही ब्रेकआउट स्टॉप और सारे के सारे टेक्निकल एनालिसिस लर्निंग से लेके कॉल पुट निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रेडल सारी चीज हम अपनी पेड सब्सक्रिप्शन में भी सिखाते हैं 1 साल के लिए, और वो उसकी भी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, और कॉन्टेक्ट नंबर भी मेरा डाल दिया, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।